सुन लेते हैं पहले उन्होंने किया क्या। ऐसा है खराब है क्या है मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है उस काम के बारे में नहीं जो एस आई टी नहीं जाना खराब है क्या है बेटा बच गयो बेटा। तो कुछ समझ में आया नहीं तो हम बताते हैं, लखीमपुर कांड का सबसे नया वीडियो है ये, सबसे साफ वीडियो है। बजे की घटना हो गई थी लेकिन मैडम वो लोग वहाँ पर पूरा इतना उग्र थे कि हम लोग फिर क्या करते, फिर वहीं पर रुके रहे, बाकी पुलिस और ये सब लोग एक्टिव हो गए थे। ड्राइवर है मेरा वही गाड़ी चला रहा था मेरी थार जी, वो उसका नाम हरि ओम है, वो मेरा ड्राइवर है और वही गाड़ी बेचारा थार लेकर के गया था। हरि ओम हरि ओम। अब वो इतना सीधा मैडम आदमी है, वो कोई भी बिल्कुल क्या कहा जाए, मतलब इस तरीके का घटना करना, अब ये तो ठीक है। आशीष जी यानी आप ये कह रहे हैं, आशीष जी एक मिनट सुनिए, मैं भी किसान हूँ ठीक, बट मैडम हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे यहाँ एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारा अतिथि आता है तो उसको हम लोग रिसीव करने जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई मंशा होती तो ऐसी अगर कोई मंशा होती मैडम तो दो तीन आदमी दो तीन वाहन जाते खाली, अगर कोई ऐसी घटना होती जी, तीन वाहन में तीन वाहन थे मैडम, उसमें कार्यकर्ता थे। अच्छा मैडम जब मैं वहां था ही नहीं, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, आप जैसे मान लीजिए आज की डेट में तो मैडम दुनिया बहुत आगे पहुंच गई, तो वहां पर कम से कम सैकड़ों ऐसे मोबाइल होंगे जो दंगल में चल रहे होंगे, ठीक है, कम से कम मैडम चार साढ़े चार किलोमीटर जहाँ पर बनबीरपुर हमारा गाँव है जहाँ पर दंगल होता, नहीं पहुंचे। कहाँ थे आप उस वक्त? हम वही मैडम दंगल वाले पर ही थे, वही थे दंगल वाले ही स्थान पर, वही मंच पर ही थे मैडम, मंच पर मैं वहाँ उस, ठीक है। आशीष मिश्रा जी कौन सी जगह थी आप एग्जैक्ट बता पाएंगे मुझे जहाँ पर हम थे? जी बलबीरपुर के पंचायत सरकारी स्कूल में, बलबीरपुर के सरकारी स्कूल में हम थे वहाँ, प्रशासन डीएम और सब लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे, सब मैडम डीएम और एसपी और पूरा सरकारी अमला वहाँ पर मौके पर पहुँच गया था, वही थे हम मैडम लखीमपुर। आशीष जी आप अभी लखीमपुर में हैं? वही है जी, यही जनपद जिला ही है। नहीं अब हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमको ये नहीं लग रहा है कि जो सच्चाई है, देखिए हम सत्य के साथ हैं, अगर सत्य है इस संसार में तो सत्य होना चाहिए बस। हमारे जनपद के नहीं है, हमारे जनपद के नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब बाहर के हैं मैडम। अब ये तो हमको क्या पता कहाँ से आ गए। नहीं आशीष जी देखिए हुआ जी, वो टिकैत जी बताओ कहाँ से आ गए जी। देखिए आपसे थोड़ी देर पहले आपके पिता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, देश के गृह राज्य मंत्री हैं वो, हमारे वो मेरे जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं, मेरे हम तो केवल एक अच्छा सा कार्यक्रम कर रहे थे, पुस्तैनी कार्यक्रम जो हमारे यहाँ आजीवन होता रहता है, करीब 35 सालों से चल रहा था, इस बीच में किसने क्या षड्यंत्र किया क्या किया, क्योंकि हम बहुत राजनीतिक आदमी मैडम नहीं, हम लोग गांव से जुड़े हुए आदमी हैं मैडम, इतना हमको ज्ञान नहीं है, हमको केवल इतना ही लीजिए भैया जी से बात के लिए बता। वो मैम मैं कैसे बता सकता हूँ कैसे घायल हुए, वो एक बात बताइए, जो ये लोग घायल हुए हैं
जो लाठी चलाते हुए वीडियो है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से लाठी से पीटा जा रहा है, जीप गिराई जा रही है, जीप में आग लगाई जा रही है, वो वीडियो है आपके पास? अरे मैडम मैं वहां ना मौजूद था, गाड़ी कैसे वो घायल हुए पूरी घटना जो लोग कार्यकर्ताओं ने बताई वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। अब ये लोग जो भी जा रहे थे रिसीव करने, उनकी गाड़ी पर जब पथराव हुआ गाड़ी पलट गई आगे वाली जीप, उसके नीचे जो भी दबे एक दो लोग, उसके बाद फिर उन तीनों लोगों को जो गाड़ी में थे तीनों मार दिए गए। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने घसीट के उनको मारा, लाठी डंडों से आग लगा दी, पीछे वाली गाड़ी में भी आग लगा दी। टोटल घटना ये है मैम। जी जी बोल रहा हूँ मैम, सुबह से जवाब ही दे रहा हूँ मैम दोपहर से, और भी पत्रकार मैम है, मैं सबको जवाब दूंगा, सब सच है तो सच है मैम। और मेरी रही बात मौजूद रहने की, मैं अखाड़े पर यहाँ पर कार्यक्रम था वहाँ पर था, क्योंकि उसका अध्यक्ष मैं हूँ, मैं ही कार्यक्रम करा रहा था। ठीक है आशीष जी। देखिए मैम सच बात यह है कि किसान इस देश के लिए है, उसके सम्मान भी हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पहले से ऐसी गतिविधियां रखना चाहते हैं जिससे कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो किसान नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो आपके घुसों बीच में जा करके ये सब माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने से दूर करें, उन अराजक तत्वों को पहचाने। और वो किसान के नाम मैं देखिए मैम, हाँ पुलिस प्रशासन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं तो उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घटना जो है क्यों घटी कैसे घटी प्रशासन का क्या है उनका अपना व्यू वो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैम मेन बात यह है कि जो भी मृत्यु हुई, जो गाड़ी के नीचे दबे हैं दो लोग, उनकी पहचान नानपारा बहराइच के निवासी के रूप में हुई है। जिस काफिले पर हमला हुआ, तीन चार गाड़ी में थे, आगे वाली गाड़ी में चार पांच लोग थे और उसके पीछे दो तीन लोग थे, सब अलग अलग जगह के कार्यकर्ता थे, गाड़ियां सब वहाँ कार्यक्रम पे खड़ी थी, दो तीन गाड़ी लेके वो गए थे कि वो एक रिवाज होता है कि काले स्नान शिव जी के मंदिर पर माला पहना देंगे। जी नहीं हाँ उनसे मैम हो रही लगातार, हम लोग उसी में सूचित में जो मिल रही है, सब कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, तो मैम यहाँ आए हैं। अब मैम मेरा क्या होगा, जब सच्चाई है तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ था पूरा, उसका तो मैम ये तो नहीं कि कोई दंगल का बड़ा कार्यक्रम उसमें हो जाएगा, बंद कमरे में बहुत बड़ा था वो था और उसपे हजारों लोग संख्या में आते हैं, 50 साल पुराना कार्यक्रम है, सब जानते हैं, मंच पर लगातार मैं मौजूद रहा, SDM DM वहाँ पर जो भी प्रशासन के लोग थे उन्होंने भी देखा, वीडियो भी हैं, फोटोज भी हैं, सब है उस कार्यक्रम में। मैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक जब समापन कर दिया है तब तक तो मैं वही था स्टेज पे। ये जो रास्ते पे हुआ है इससे ही आगे जाके वो मैम कटा है, आगे से वो उधर से आ रहे थे तो उनको वहीं से उधर को कटना था, ये इधर वाला रास्ता छोड़ना था, हमको उनको वही बीच में पकड़ना था। मैम सारी सच्चाई है आप जानती हैं, इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं जो बताना पड़े। कभी हम लोगों ने किसान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कभी किसान से कुछ बोला नहीं। जो 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 भी किसान होगा मैम उसके साथ तो देश होता है, लेकिन क्या आप जो खुद कह रहे हैं कि इतनी भीड़ है लाठी डंडा है ये क्या तो किसान लग रहे हैं? मैम जैसा अभी वहाँ पर जैसा प्रशासन कहेगा जो हमसे पूछना चाहेगा वो बात होगी मैम, जैसे आप पूरी तरीके से सहयोग करेंगे जांच में। अरे मैम क्यों नहीं करेंगे, और हम चाहते भी हैं इसकी हाई लेवल जांच हो, सच्चाई तो आए सामने कि आखिर का क्या हुआ, इसके पीछे किन लोग हैं, कौन किन का हाथ, ये आना चाहिए मैम।